नमस्कार दोस्तों, इनसाइड इंजीनियरिंग चैनल में फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हैंड टूल्स हैमर के बारे में है। तो मैं हैमर के बारे में डिस्कस करूँगा आज। और दोस्तों, मेरा वीडियो को अगर आपका अच्छा लगे तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ग्रुप में, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जान सके। तो दोस्तों, चलिए हैमर के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, हैमर के बारे में क्या लिखा है। हैमर इज़ एन इम्पोर्टेंट टूल व्हिच इज़ यूज फॉर स्ट्राइकिंग पर्पस व्हाइल चिपिंग, रिवेटिंग, पंचिंग, फोर्जिंग, स्ट्रेटनिंग, बेंडिंग एट्सेट्रा। मतलब हैमर कई जगह पर जहाँ पर पंचिंग करना हो, कोई मेटल को उखाड़ना हो, चिपिंग करना हो, रिवेटिंग करना हो, फोर्जिंग के दौरान आप हैमर को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हैमर ज़्यादातर कार्बन स्टील से मेड होता है और इसका जो हैंडल होता है हैमर का, वो वुड से मेड होता है। तो वुड से तैयार करने की वजह एक ही है कि वुड जब आप स्ट्राइक कर रहे हो तब वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए वुड सही है, इसलिए वुड का हैंडल तैयार होता है। तो चलिए देखते हैं हैमर की टाइप्स के बारे में क्या है। देखिए, पहला है बॉल पिन हैमर। तो जो जो स्टूडेंट्स इस सभी बारे में जानते हैं तो वो फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं। जो जो नया स्टूडेंट है, जो नया एडमिशन लिया है, वो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि धीरे से देखें। बॉल पिन हैमर इज़ अ जनरल पर्पस ऑफ हैमर। दीज आर मेड इन वैरायटी ऑफ साइजेस विद हेड मेसेस रेंजिंग अप्रॉक्सीमेटली 55 GM टू 1400 GM। मतलब बॉल पिन हैमर जनरल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि रिवेटिंग, कोई बेंच वर्क हो तो उसमें बॉल पिन हैमर का यूज़ किया जाता है। और उसका जो हेड की दौरान जो रेंज है वेट का, वो 55 ग्राम से 1400 ग्राम होता है। देखिए नेक्स्ट है क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर इट इज़ अ जनरल यूज्ड फॉर स्ट्राइकिंग इनटू शोल्डर्स। मतलब उसका जो क्रॉस पिन, मैं पिक्चर में डिस्कस करके बताऊंगा, क्रॉस पिन हैमर का जो फेस होता है वो क्रॉस होता है, इसलिए वो कई शोल्डर पर अगर आपको बेंडिंग करना हो तो क्रॉस पिन फेस के मदद से आप वो शोल्डर पर बेंडिंग कर सकते हो। ठीक है, एंड स्ट्रेचनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है क्रॉस पिन हैमर। उसके बाद है स्ट्रेट पिन हैमर। तो स्ट्रेट पिन और क्रॉस पिन, ये मैं सभी पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। स्ट्रेट पिन एंड क्रॉस पिन, ये जो होल होता है जिसमें हैंडल फिक्स होता है उस दौरान विचार किया जाता है। तो स्ट्रेट पिन हैमर का बेसिकली ये मेटल को स्ट्रेचनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, एंड कॉर्नर में भी स्ट्रेचनिंग करना हो तो भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है क्लॉ हैमर। देखिए, क्लॉ हैमर का दोनों पॉइंट के अंदर एक स्लॉट कटा होता है, जो कारपेंटरी वर्क के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो क्लॉ हैमर का यूज़ क्या है, क्लॉ हैमर का जो फेस है उससे आप कोई नेल को इंपैक्ट कर सकते हो, और जो स्लॉट कटा है क्लॉ हैमर के अंदर, वो स्लॉट से आप नेल को उखड़ सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद है स्लेज हैमर। स्लेज हैमर सबसे ज़्यादा वेटी होता है। ठीक है, ये ब्लैक स्मिथ के फ्लोर्जिंग, मेटल कटिंग, आयरन एंगल क्रिएट करने में, ठीक है, चैनल क्रिएट करने में ये यूज़ होता है। तो जितनी तरह की आप हमर देख रहे हैं तो इसमें स्लेज हैमर सबसे ज़्यादा वेटी है। ठीक है, और इसका वेट जो है 2 kg to 10 kg, मतलब ये बहुत भारी हो सकता है, 10 kg से भी ज़्यादा है। उसके बाद है सॉफ्ट हैमर। दे आर हैमर्स व्हिच हेड्स मेड ऑफ सॉलिड लीड, कॉपर और बेबिट। मतलब सॉफ्ट हैमर सॉफ्ट स्ट्राइकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो फेस है ये, सॉरी, इसका जो हेड है ये सॉलिड लीड, कॉपर और बेबिट मेटल से तैयार किया जाता है। दे आर यूज टू सीट वर्क इन मशीन वाइज, मतलब मशीन वाइज में कोई चीज़ फिक्स करना हो तो उसमें यूज़ किया जाता है। कोई मैंड्रिल को अगर आपको घुमाना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं सॉफ्ट हैमर का। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं जो सॉफ्ट हैमर के बारे में बताया था, तो सॉफ्ट हैमर तीन तरह का की होता है। एक तो है रॉ हाइड हैमर, दूसरा है मैलेट हैमर और तीसरा है नाइलॉन हैमर। तो सॉफ्ट हैमर ये ज़्यादातर ब्रास, कॉपर, लीड, एल्युमिनियम, वुड, रबर, तो इससे बना होता है। ठीक है, ये तीनों रॉ हाइड हैमर, मैलेट हैमर एंड नाइलॉन हैमर, ये सॉफ्ट वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। तो रॉ हाइड हैमर आप ज्वेलरी काम में भी यूज़ कर सकते हो। इसका फेस काफ़ी डायमीटर
फेस का डायमीटर काफ़ी बड़ा है, तो इसको आप ज्वेलरी काम में यूज़ कर सकते हो। और कोई पार्ट का फिनिशिंग एक्यूरेसी फिट करना हो, और जिस जगह पर आप कोई पार्ट को पूरी तरह से रिजिड नहीं करना चाहते हो, उस जगह पर आप हल्की सी स्ट्राइक देकर रॉ हाइट हैमर के यूज़ कर सकते हो। मैलेट हैमर भी हार्ड वुड लाइक टीक सीसम की कर ये मतलब जो हार्ड वुड होता है उससे बना होता है, और ये रबर से भी बना होता है। इसका काम है हल्का सा स्ट्राइक करके वाइंडिंग प्रोसेस बेंडिंग प्रोसेस में यूज़ करना। नायलॉन हैमर वे भी सेम है, ये भी एरोनॉटिक्स सब मतलब जहाँ पर विमान का पार्ट्स तैयार होता है वहाँ पर मॉडर्न टूल रूम में ये यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आप कुछ और डिस्कस करते हैं। पहले तो आप इस पिक्चर को अच्छे से देख लीजिए, ये क्लॉ हैमर है, ये बॉल पिन हैमर है, तीसरा है क्रॉस पिन एंड स्ट्रेट पिन, ठीक है, तीसरा चौथा है क्लब हैमर, स्लेज हैमर, ज्वेनर हैमर, सॉफ्ट फेस। कुछ कुछ हैमर ऐसा है कि वो हल्की काम में यूज़ किया जाता है, और कुछ कुछ हैमर है जो मीडियम और हार्ड वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है पार्ट्स, ठीक है, ये है पार्ट्स, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप आसानी से देख पा रहे हैं कि ये क्लॉ हैमर है, इसका अंदर एक स्लॉट कटा है, इस स्लॉट के अंदर कोई नेल फंस गया तो उसको आप उखाड़ सकते हो, और ये जो फेस है, फेस के बदौलत आप कोई नेल को इम्पैक्ट कर सकते हो। इसको थ्रोट कहता है, इसको हेड कहता है, इसको चीक है, ये क्लॉ है, क्लॉ इसलिए कहता है कि दोनों बीच में अंदर गैप रहता है। या आई है, जहाँ पर आई तो ज़्यादातर यहाँ पर होता है, तो आई के अंदर ये हैंडल फिक्स होता है, ठीक है, नेक है, हैंडल है, ठीक है, और यही सब बॉल पेन हैमर में भी है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बॉल पिन हैमर में भी सेव है, ये नेक है, ये आई है, देखिए यहाँ आई यहाँ पर है जहाँ पर हैंडल फिक्स है। तो दोस्तों मैं शायद आपको क्लियर हो जाएगा, जो नया स्टूडेंट है वो शायद क्लियर हो जाएगा, बुक में भी आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं भाईस के लिए डिस्कस करूँगा, तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू दोस्तों।